ज़ाहिरा का मेरे YouTube पे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब मैं इनको ट्रीट दूंगी, इनको मैं दिखाऊंगी मोला जट। आज रिलीज हुई है, 12:30 का शो है। पहले हम खाना खाएंगे, खाना खाने के बाद हम मोला जट देखने जाएंगे, ठीक है? अभी तक खाई जा रही है, बाहर नहीं आ रहे। ये अपने टिश्यू छुपा रही है, इसका जो भी रेस्टोरेंट में जाती है ना, ये वहाँ के मुझे टिश्यू बहुत पसंद है और मैं यूज़ करती हूँ, क्योंकि जब भी मैं फेस वॉश करती हूँ ना तो मैं टिश्यू यूज़ करती हूँ, टॉवल नहीं यूज़ करती, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा फोबिया है टिश्यू का। ओके हम लोग मोला जट देखने आए हैं, लेकिन टिकट्स अभी तक ली नहीं है, मेरी माँ खाई जा रही है, आई नहीं। अब हम इसकी टिकट्स लेने जा रहे हैं, अल्लाह करे मिल जाए, बाकी सारी तो बुक थी ऑलरेडी। और हम हो चुके हैं ऑलरेडी लेट, दुआ है कि टिकट्स मिल जाए। ऐसी हराम दी बहन अल्लाह ने मुझे दी है, मुझे बोलती है नॉर्मल वाली टिकट्स करा लो, ऐसे सोफ़ा शोफा करने की ज़रूरत नहीं है, 200 रुपये बचाओ। मैं कह नहीं नहीं मैं तो सोफे पर लेट के मूवी देखूँगी, कोई बात नहीं अगर एक्सपेंसिव है तो। आगे से कहती है अच्छा बहन मेरे साथ ATM आओ, 500 रुपये मुझे भी दो फिर, तुम्हारे पास पैसे हैं तो। अब ATM के बाहर मुझे ला के खड़ा किया हुआ इसने। क्या कह रही थी आप? मैं कह रही हूँ कि ये एक मशीन है। अच्छा, इसमें से पैसे निकाल रहे बहना, बहुत मजा आता है। हाँ मुझे थोड़े से निकाल। नहीं वो टिकट्स जब ले रहे थे तब क्या कह रही थी, मुझे कुर्सी दे दो, इसको सोफा दे दो। मुझे चेयर दे रहे हैं, इसको सोफा दे दो, क्योंकि सोफे की जो टिकट है ना वो महंगी है और जो चेयर है वो सस्ती है। पर मरियम ने कहा नहीं, गरीबों वाली बात है छोड़ दो। अरे गरीब नहीं, हमें सोफे में बैठा के खरीद लो। यस ये मैंने निकाले 500 रुपये के लिए, मुझे ATM लेके आई है। ये बिल है। तो ये मिली हमें 1 बजे की, रात 1 बजे की टिकट। और अभी टाइम क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है क्या, टाइम हो रहा है 11:40। तो अब हम जो है 1 बजे तक क्या करें, आइसक्रीम भी खा लिया, खाना भी खा लिया, एम्पोरियम भी बंद हो रहा है, वो देखो वो अपना व्लॉग बना रही है। हेलो गाइस, माय फ्रेंड्स, माय फैंस, बोलना जरा। हेलो माय ऑल फ्रेंड्स, ऑल फॉलोअर्स। आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं मोला जट देखने आई हुई हूँ और वहाँ का एक डायलॉग भी है, रे मौलिया है ना दस, मैं तेरी पकी पकी मशहूर। ये मेरी माँ पॉपकॉर्न अभी सारे खा गई है और आप रस चेक कर सकते हो। और मरियम अच्छा मज़ा आ रहा है, बोतलें भी पड़ी हैं यार, ये सारा चल। माफ कितना सर, मैं तरस आ गया तेरे ते, माफ कितना खुश है। लड़की
दुख मार चुक सके पर ती रानी चल चाचा जिन्हें खौफ तो हर भले क्या खाने में बचा ले रहते तेरे कोल सिर चुकाण दे सौ तरीके ने ਡੰਕੇ ਜੱਟ ਦੇ ਤੱਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ के मिलना जरूरी सी किसी नुक्कड़ में जाके जब भी पर्दा स्वादी हो रहा मैंने इतने जब भी पाना है ले ते हो राती रात थी गुगु घोड़े में चढ़ाई अले लगता है उस रात की डांगा खा खा के ना तेरा दिमाग चलिए ਨੱਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਸੀ ਨੱਤਾ ਨੇ ਕਦੀ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੱਟਾ ਨੇ ਕਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਪੜ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਛੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ फिर छह कॉले लस्सी दे पीते उस तो बाद मैं कार गया ते माते गली पै गए अस तो पहला मैं बंदे दा पुत्तर बंदा ओ तेरा भरा की ना सी ओदा मक्का वेख लिखता होना तू मौला जाटें
भाई सब बात ऐसी है कि पाकिस्तानी पहली कोई ऐसी मूवी होगी जो मुझे इतनी पसंद आई है। क्या एक्शन था, क्या डायलॉग्स थे। मेरी बहन तब से व्लॉग नहीं जा रही है कि आवाम बड़ी वेली है, मूवी देखने आई हुई है और खुद ये 11 बजे की बैठी हुई थी मूवी देखने के लिए और 1 बजे का शो था और मूवी का चस्सा आ गया, मूवी मजा आ गया। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं हम वापस घर आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक मसला है कि पाकिस्तान है और पाकिस्तान में कभी भी लाइट चली जाती है। तो ये मैं मम्मा का फ़ोन पकड़ के टॉर्च से फाइनल मूवी रिव्यू बताऊंगी, क्योंकि मैंने इंस्टा पे भी स्टोरी लगाई थी तो सब दोस्त पूछ रहे थे। मूवी बहुत मज़े की है, इंटरवल तक मुझे बस अच्छी लग रही थी। लग तो यही रहा था कि कोई हॉलीवुड टाइप मूवी देख रही हूँ मैं, लग ही नहीं रहा था कि पाकिस्तानी मूवी है। बट स्टोरी का मज़ा इंटरवल के बाद आया बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। एंड जब होने लगा तब तक लाइक बहुत ही लेवल की हो गई थी मूवी। मुझे यकीन नहीं आ रहा पाकिस्तान ऐसी मूवी बना गई है यार, बहुत अच्छी मूवी है। आप जाके थिएटर में ज़रूर देखें, आपके पैसे पूरे होंगे, बहुत लेवल की मूवी है। और अगर एक्टिंग की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा मज़े की तो माइमा की लगी है मुझे, माइमा मलिक आई थिंक, एंड फवाद खान नहीं वो विलेन हमजा लिए बासी है ना उनकी, सभी परफेक्ट था। बस माहिरा खान की कुछ समझ नहीं आई मुझे, बाकी मूवी बहुत मज़े की है, ज़रूर देखो।